मैं इस क्वेश्चन के आंसर की तलाश में था कि मैं अमेज़ॉन है मैं क्यों जाऊं। मैंने गूगल रिसर्च की, यूट्यूब पे देखा, देन मुझे किसी ने इनेबलर्स के बारे में बताया, मैंने उनकी कोर्स आउटलाइन देखी, तो जस्ट आई रियलाइज्ड कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे अमेज़ॉन की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे वे में दे सकती है। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट का एक रोल्स ये है कि उसने अमेज़ॉन को ओवरऑल देखना होता है, लाइक उसने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसने एनालिसिस करना है, मार्केट रिसर्च करनी है, ओवरऑल जितने एस्पेक्ट्स आते हैं अमेज़ॉन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने ऑर्डर FBM के ऑर्डर मैनेज करने हैं, FBA के ऑर्डर मैनेज करने हैं, शिपिंग प्लान्स बनाने हैं, जितने ओवरऑल टास्क होते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट इसको परफॉर्म करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे एक तालिब इल्म हैं, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ अरसा जॉब भी की, लेकिन उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि अगर मैं बदलते वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलूंगा तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने एनेबलर्स के साथ अपना सफ़र शुरू किया और अमेज़ॉन के साथ भी काम किया और इस फील्ड में इतना काम किया कि आज वो अपने अंडर लोगों को काम दे रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये कैसे ये सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमज़ा रफ़ीक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ आपने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया, इस दौरान आपके जहन में वो क्या बात आई कि आपने सोचा कि मैं एनेबलर्स के साथ अटैच हो जाऊँ और अमेज़ॉन में काम करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2019 जस्ट बिफोर इनेबलर्स। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अमेज़ॉन। मैं इस क्वेश्चन के आंसर की तलाश में था कि मैं अमेज़ॉन है मैं क्यों जाऊँ, और भी अदर प्लेटफॉर्म है मैं उनमें क्यों नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आई जस्ट इन्वेस्टेड अराउंड 2.5 months इसी क्वेश्चन में कि मैं इस अमेज़ॉन की तरफ क्यों जाऊँ। आफ्टर डैट मैंने ये चीज़ एनालिसिस की, क्वेश्चन मैंने गूगल रिसर्च की, यूट्यूब पे देखा, देन मुझे किसी ने इनेबलर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो मैं भी चाहता था अब मुझे कोई ऐसा बंदा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिले जो मुझे अमेज़ॉन की ट्रेनिंग दे, अमेज़ॉन का डिटेल्स में जो प्रैक्टिकली वर्क सिखाए। तो मुझे कुछ किस्मती से इनेबलर्स मिल गया, ठीक है। तो आई जस्ट कॉल टू इनेबलर्स सपोर्ट टीम, मैंने उनसे कॉल की, हैड अ गुड कन्वर्जेशन, मैंने उनकी कोर्स आउटलाइन देखी, तो जस्ट आई रियलाइज्ड कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे अमेज़ॉन की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे वे में दे सकती है, ठीक है। एट दैट टाइम मेरे पास दो सिचुएशन थी, मैंने सेमिनार्स अटेंड करना था इनेबलर्स का जो था, इसमें यह था कि एक सेमिनार था फैसलाबाद में, वो था विद इन 3 days, एक था लाहौर में, वो था विद इन 10 days ऑलमोस्ट। तो मैं इतना पैशनेट हो गया था अमेज़ॉन के बारे में, इनेबलर्स के बारे में, कि मैंने यहाँ लाहौर से आई ट्रैवल टू फैसलाबाद एंड अटेंड दी सेमिनार्स और जस्ट डिसाइडेड टू इनरोल इन बूट कैम्प। कि मैंने वहाँ बैठे बैठे डिसाइड कर लिया, इतना इंस्पायर हुआ उनके सेमिनार से, मैंने ये डिसाइड किया कि यार मुझे अब इनेबलर्स के बूट कैम्प का जो सेशन है प्राइवेट लेवल का बेसिकली होता है, ठीक है, उसमें इनरोल होना है और मज़ीद लर्निंग करनी है, ठीक है। तो इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। वहाँ से हमारी एक टीम बनी जिसका नाम होता है इनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोडक्ट इज़ टू कंपेटिटिव, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए प्रोडक्ट्स को, तो जिसकी वजह से हमारी टीम कंटिन्यू नहीं हो पाई। आई डोंट हैव इनफ फंड्स टू लॉन्च माय ओन प्रोडक्ट्स। एक्चुअली EMS में ये होता है कि आप म्यूचुअल फंडिंग से आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन वो यू नो कि उसमें ये हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन के दौरान ही प्रोडक्ट बहुत ही एक तो प्राइस वार आ गया, दूसरी कंपेटिटिव होगी, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए बेसिकली। एक वर्चुअल असिस्टेंट का इस फील्ड में क्या रोल है, इसको थोड़ा सा नाजरीन के लिए आसान करके बताएं। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट का एक रोल ये है कि उसने अमेज़ॉन को ओवरऑल देखना होता है, लाइक उसने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है, उसने एनालिसिस करना है, मार्केट रिसर्च करनी है, ओवरऑल जितने एस्पेक्ट्स आते हैं अमेज़ॉन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने ऑर्डर FBM के ऑर्डर मैनेज करने हैं, FBA के ऑर्डर मैनेज करने हैं, शिपिंग प्लान्स बनाने हैं, जितने ओवरऑल टास्क होते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट इसको परफॉर्म करता है।
अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, जो सबक याद करने में बहुत अच्छे होते हैं, हम उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहे, उनकी एक अपनी वे ऑफ थिंकिंग है और वे ऑफ लिविंग है, वो लर्न करते हैं, चीज़ों को याद कर लेते हैं और इस तरह से सीखते हैं। लेकिन ये अमेज़ॉन की फील्ड चूँकि बहुत प्रैक्टिकल है तो अक्सर लोगों को इसकी जल्दी समझ नहीं आती, जब तक कि वो खुद प्रैक्टिकली इसको करते नहीं, तो वो फिर इस तरह की बातें करते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं है, इससे कोई अर्निंग नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि ये फील्ड टोटली एक्यूरेट है, हॉनेस्ट फील्ड है, इसमें पैसा है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू शो योर स्किल्स, आपको अपनी स्किल्स शो करनी है और एक्सपर्ट बनना है इस काम में, क्योंकि टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वर्क है, तो आपको पहले लर्न करना है, देन प्रैक्टिकली काम करना है इस चीज़ का, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली कर रहे थे, आप यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं कर सकता हूँ, कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और बेसिक जब आप ये चीज़ें लर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिकली गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाता है कि वाकई इस फील्ड में पैसा है। तो मैं यही सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि अगर इस तरह से लोगों ने आना है, पहले वो ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढे, जैसे मैंने वाई अमेज़ॉन पहले मैंने रिसर्च किया, मुझे खुद से आइडिया हो गया था वाकई इस फील्ड में पैसा है। तो मैं लोगों को भी यही पहले कहूँगा, पहले वाई अमेज़ॉन का आंसर ढूंढ लें, क्यों है, फिर उनके ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, यार फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा वैसा अमेज़ॉन तो नहीं है, उनकी ये सारी कन्फ्यूज़न वाई अमेज़ॉन के पीरियड के दौरान ही सारी कवर हो जाएगी। एक जो आम आदमी है जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन अपनी कम्प्लीट की है, उसको आपके ख्याल में कितना वक्त लग सकता है कि वो इस फील्ड में आए और अच्छी अर्निंग शुरू कर दे? एक तो उसे वक्त कितना लग सकता है और कौन से स्किल्स को उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है? आई सुजेस्ट ही नीड टू इन्वेस्ट अराउंड 7 hours इन अ डे, ठीक है। अगर वो 7 hours इस फील्ड में लगाता है अमेज़ॉन के वर्क में, आई बिलीव के वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है, कि आई कैन डू डैट, मैं ये कर सकता हूँ। जितना वो इन्वेस्ट टाइम करेगा, यू नो नॉलेज हैव नो लिमिट्स, ठीक है, जितना वो काम इन्वेस्ट करेगा उतना नॉलेज गेन करेगा, उतना वो अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा। अच्छा, स्किल्स जो मैं समझता हूँ इस फील्ड में, मैं एक स्किल जो बेसिक जो स्किल्स है वो आपको बताता हूँ, वो होती है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग। आपकी प्रोडक्ट, यू नो प्रोडक्ट हंटिंग इज योर बेस ऑफ बिजनेस, आपकी ये बेस होती है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी है, आपकी मार्केट में प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की बेस पर ही आपने कंटिन्यू करनी होती है, अपने बिजनेस को स्केल करना होता है, एक अच्छे लेवल्स पे लेके जाना है जिससे आपने लाखों डॉलर्स कमाने हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी होनी चाहिए, देन जो फर्दर टास्क आते हैं लाइक प्रोडक्ट्स, आपकी सोर्सिंग आती है, ठीक है, ये आपकी बैकबोन होती है आपके बिजनेस की, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद आपने लॉन्च करना है, किस तरह लॉन्च करना है, PPC को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, अगर आपने रिव्यूज़ लेने तो वो कैसे सेफ वे में आपने वो चलना है प्रोडक्ट्स को लेके, ये वो बेसिक स्किल्स है जो फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रोडक्ट हंटिंग की, देन आपकी सोर्सिंग की, देन आपकी ऑप्टिमाइजेशन की, फिर PPC को कैसे आपने मैनेज करना है, ये वो स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, आपके सारे सफ़र में जो लोग आपके मेंटर रहे उनके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले जो मेरे मेंटोर्स हैं मेरे लिए, वो सर खुरम खाली थे। आई रिमेंबर्ड ही कोटेड मी वन सेंटेंस, हमजा यू आर गुड एट एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू पुट योर एफर्ट। ये वो सेंटेंस था जिसने मुझे इंस्पायरेशंस दी, मोटिवेट किया है कि जब आपका मेंटोर्स आपको ये वर्ड कह दे कि या आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, सिर्फ आपको अपनी एफर्ट दिखानी है, तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट फॉर मी एंड ऑलवेज एंड अदर्स टू मच, लोग दूसरे लोगों के लिए भी, ठीक है। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आपको इस चीज़ में प्रैक्टिकली जब गो थ्रू कर ले, आपका मेंटोर्स कहते हैं ये आप चीज़ हर चीज़ में अच्छा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा जो मेरे लिए इंस्पायरेशन रही है, वो सर शाहिद अली है, ठीक है। सर खुरम खालिद ने मुझे स्किल्स दी है, सिखाया, इनेबलर्स ने सिखाया, लेकिन सर शाहिद अली, उन्होंने मेरी स्किल्स को पॉलिश किया है, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत ही एक इंस्पायरेशन रहे, सर खुरम खालिद है, और इसके अलावा सर शाहिद है, सर साकिब भी रहे हैं, पूरा इनेबलर्स की कम्युनिटी रही है। अच्छा, जो लोग आज इस चीज़ पे थोड़ा सा बिलीव करके आपकी बातों पे या एनेबलर्स पे या अमेज़ॉन पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, आने वाले 5 से 10 years में आप उनको कहाँ पे देखते हैं? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इन 2030 आपकी टोटली जॉब्स चेंज हो जाएगी। ये मेरे टीचर्स भी मुझे बताते हैं कि 2030 में चेंज हो जाएगी। यू नो कोविड आया, आपने इस चीज़ का देख ही लिया होगा कि सारी दुनिया ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो अमेज़ॉन इज़ अ फ्यूचर, ठीक है। यू डोंट नीड टू डाउन योर हैंड,
आपको कस्टमर विल प्लेस एन ऑर्डर्स एंड पेमेंट विल ट्रांसफर इन टू योर बैंक अकाउंट। मैं ये समझता हूँ कि जो अमेज़ॉन है ये फ्यूचर है, चाहे वो अमेज़ॉन हो चाहे वो आपका किसी भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो, लाइक आपका दराज भी हो सकता है और अदर प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन ने यू नो जिस तरह ग्रो किया है, रैपिडली ग्रो की तरफ जा रहा है और अदर मार्केट्स में आ रहा है, यूए में आ गया, बहुत सारी आगे मार्केट्स में जा रहा है। तो यही लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अमेज़ॉन फ्यूचर है, ठीक है, आपका ई कॉमर्स फ्यूचर है, आप इसकी तरफ आए, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। साकिब बजर साहब का एक विजन है और वो विजन ये है कि लोगों को एनेबल किया जाए, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है या कोई काम नहीं है तो उन्हें ये काम दिया जाए, उनके बारे में आप क्या राय देना चाहें? सर सबसे पहले तो साकिब अजहर साहब की वजह से आई एम इन इस काबिल हो गया हूँ कि आई एम ऑपरेटिंग माई ऑन कंपनी, पीपल्स आर वर्किंग अंडर मी, ठीक है। ये सिर्फ साकिब अजहर साहब की वजह से हुआ कि मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, साथ साथ लोग मेरे अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो वो एक मेरे लिए इंस्पायरेशंस हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन जो हमारी पाकिस्तानी यूथ को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स ई कॉमर्स के, यार कुछ करो कुछ करो, आए दिन वो पोस्ट लगाते हैं, आए दिन उनकी वीडियोज़ आती है, लोगों को पुश कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए कि हमें ऐसा एक आदमी मिला, एक ऐसा पर्सन मिला है कि जो हमें पुश कर रहा है, हमें बता रहा है कि यार आपने ई कॉमर्स में हमारी कौम आगे जा सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह जा भी रही है, ठीक है, आगे भी इंशाल्लाह हम गो करेंगे इस चीज़ में। आखिर में मेरा आपसे एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, वो ये है कि कासिम अली शाह साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर कासिम अली शाह साहब वो शख्स है जिन्होंने एग्जैक्ट लाइफ का मीनिंग बताया, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो साइंटिफिकली हो, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इन्होंने बताया कि लाइफ को किस तरह, लाइफ क्या है और इसको किस तरह आप ऑपरेट कर सकते हैं और आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो इस हमारे वो मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे लिए भी वो इंस्पायरेशन है, उनकी डिबेट सुनता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है जो आपको साइकोलॉजिकली आपके विज़न को बड़ा करती है कि यार विज़न को किस तरह बड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा रफीक साहब। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग अमेज़ॉन और एनेबलर्स के बारे में जानना चाहते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के रोल के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।